So in this video, we are going to do an honest review of one of the most popular creatines out there, which is Muscle Blaze HMB creatine, after using it for 1 month. हमने इस क्रिएटिन की लैब टेस्ट करवाए थे एंड आफ्टर गोइंग थ्रू इट्स लैब टेस्ट रिपोर्ट्स एंड पैकिंग मैं आपके साथ शेयर करूंगा एक ऑनेस्ट रिव्यू कि इसमें हमें क्या क्या चीज़ देखने मिलती है और क्या क्या चीज़ देखने नहीं मिलती है और साथ ही साथ मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि इसे यूज़ करने से मेरी फिजिक में क्या क्या चेंजेस हुए हैं, इसने मेरे बॉडी को स्ट्रक्चर कितना अच्छा दिया है, मेरे वाटर रिटेंशन कैसा है और साथ ही साथ कहीं इसका कोई मुझ पर कोई साइड इफेक्ट तो नहीं हो गया ना, बिकॉज सेफ्टी कम्स फर्स्ट। वी विल ऑल्सो बी डूइंग बजट एनालिसिस। अगर आपका बजट लो टू मीडियम चलता है यानी 500 से लेकर 1000 तक, तब क्या आपको मसल ब्लेज HMB क्रिएटिन ट्राई करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, विल इट बी अ पॉकेट फ्रेंडली क्रिएटिन फॉर यू और नॉट। अगर आप एक फर्स्ट टाइम व्यूअर हैं तो सब्सक्राइब कर लो थ्री नेचर फिटनेस चैनल को, क्योंकि मैं प्रोवाइड करता हूँ हेल्थ और फिटनेस रिलेटेड रियल और क्वालिटी इन्फॉर्मेशन और बन जाइए हमारी हेल्दी फैमिली के एक हेल्दी मेंबर। इन केस आप मसल ब्लेज के HMB क्रिएटिन को ट्राई करना चाहते हो तो मैंने इसे खरीदने का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से इसे ऑनलाइन भी खरीद सकते हो। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, सबसे पहले बात करते हैं पैकिंग की। हमने यहाँ पे मसल ब्लेज की क्रिएटिन की 125 ग्राम यानी 125 ग्राम की पैकिंग मंगाई है, जिससे कि मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूँ कि मेरी बॉडी पे क्या क्या इफेक्ट हुआ इसके यूज करने से। और हाँ, उसे सुनने के बाद अगर आपको इसको खरीदने का मन हो तो आप इसे फ्यूचर में बाय कर सकते हो। Here comes the first matrix of our review, which is number of scoops per pack. यानी मसल ब्लेज की इस HMB क्रिएटिन की एक पैकिंग में हमें कितने स्कूप ऑफ क्रिएटिन पाउडर देखने मिल जाता है। Here, मसल ब्लेज की इस एक पैकिंग में हमें 26 स्कूप्स ऑफ क्रिएटिन पाउडर देखने मिल जाता है, जो कि कम है, एस 100 से 125 ग्राम की पैकिंग के अंदर हमें अप टू 32 स्कूप्स तक देखने मिल जाता है। बट अभी इसको जज मत करो। Our next matrix is scoop size. Now, this is always the game changer in creatine, as Muscle Blaze HMB creatine की scoop size दी गई है 4.8 grams की, which is almost 5 grams की एक scoop size दी गई है, which is also the top limit of creatine one could consume per day. मतलब इससे ज़्यादा consume करने पे doctors मना करते हैं, पर 5 grams तक it is an athlete level of consumption of creatine. Only athletes या फिर जो superior quality के bodybuilders होते हैं, बढ़िया quality वाले, वो इसने लेवल पे क्रिएटिन कंज्यूम करते हैं। सो अगर आपको अपनी बॉडी को उस लेवल पे लेके जाना है, अच्छा खासे डेवलप करना है, अपनी बॉडी के अंदर स्ट्रक्चर लेके आना है, बॉडी बिल्डर जैसे दिखना है, तब आपको इस लेवल पे क्रिएटिन कंज्यूम करना रहेगा। आवर नेक्स्ट मैट्रिक्स इज स्कूप पर सर्विंग, यानी एक बार का क्रिएटिन शेक बनाने में हमें कितने स्कूप ऑफ क्रिएटिन पाउडर यूज करना है। हियर HMB क्रिएटिन के अंदर हमें सिंगल स्कूप की सर्विंग यूज करनी है। आवर नेक्स्ट मैट्रिक्स इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स, विच सर्विंग इन ग्राम, यानी एक बार के सर्विंग के अंदर हम लोग कितने ग्राम ऑफ क्रिएटिन पाउडर यूज कर रहे हैं या करना चाहिए। नाउ हियर अकॉर्डिंग टू मसल ब्लेज HMB क्रिएटिन हमें एक बार की सर्विंग के अंदर 4.8 ग्राम्स का क्रिएटिन पाउडर मिलता है। बट मेरी बात सुनिए, देखिए हमारी बॉडी के अंदर जो नेचुरल प्रोडक्शन ऑफ क्रिएटिन होता है वो तभी तक कंटिन्यू रहता है जब तक हम लोग पर डे 3-4 ग्राम्स ऑफ क्रिएटिन कंज्यूम करते हैं। अगर उससे ज्यादा कंज्यूम करने लग जाते हैं ड्यूरिंग आवर क्रिएटिन साइकिल, तो हमारी बॉडी जो नेचुरल प्रोडक्शन ऑफ क्रिएटिन होती है उसको धीरे धीरे कम कर देती है, एज हमारी बॉडी सर्वाइवल बेसिस के ऊपर बिल्ट है और उसी पे बिल्ट रहेगी। अगर इसे कोई चीज बाहर से मिल रही है तो वो खुद से अंदर में बनाना उसे धीरे धीरे बंद कर देती है, एज हमारी बॉडी उसके लिए अडेप्ट होती है। सो सिंपल सी बात है, हमें अपनी बॉडी के जो नेचुरल क्रिएटिन प्रोडक्शन है उसको कंटिन्यू रखना है। तो उसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि 4.8 नहीं लेकर के आप अप टू 4 लें, 4 ग्राम्स ऑफ क्रिएटिन, जिससे कि हमारी बॉडी अंदर से सेफ स्ट्रक्चर रहे, अच्छे खासे से प्रोडक्शन चालू रहे। नेचुरल प्रोडक्शन इज ऑलवेज बेटर देन आर्टिफिशियल सप्लीमेंटेशन, कीप दैट इन माइंड, स्टे सेफ। ये कम वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स ऑफ दिस रिव्यू, विच इज क्रिएटिन परसेंटेज, यानी मसल ब्लेज का ये जो HMB क्रिएटिन है ये कितने परसेंट प्योर है, यानी 100% क्रिएटिन है या 80-70 का मिक्स किया हुआ है। सो अकॉर्डिंग टू द पैकिंग दे से दे ओनली कंटेन क्रिएटिन, और हमारी लैब टेस्ट के अंदर हमें और कोई फॉरेन केमिकल देखने नहीं मिला, ना ग्लूटेन मिला है, ना कोई हेवी मेटल्स देखने मिले हैं। सो इट इज 100% क्रिएटिन, सो इट इज सेफ टू कंज्यूम। आवर नेक्स्ट मैट्रिक्स इज GMO फ्री, कहीं इस क्रिएटिन को जेनेटिकली मॉडिफाई तो नहीं किया हुआ ना, एज जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रिएटिन्स आर हार्डर टू एब्जॉर्ब बाय द बॉडी। हियर मसल ब्लेज HMB क्रिएटिन के अंदर लिखा हुआ है कि दे आर GMO फ्री, और ये चीज हमारी लैब टेस्ट के अंदर भी ट्रू पाई गई है, सो इट इज इजी टू एब्जॉर्ब। Our next matrix is gluten free. So as हमने अपने previous matrix के अंदर जाना कि 100% creatine है, इसके अंदर कोई भी substances, other substances than creatine नहीं है। So here Muscle Blaze HMB creatine is gluten free, yes and true.
हमारी अगली मैट्रिक्स आ जाती है बैंड सब्सटेंसेस फ्री, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स फॉर योर हेल्थ। हियर एचएमडी क्रिएटिन के अंदर मेंशन है कि दे आर बैंड सब्सटेंसेस फ्री एंड दे फॉलो ऑल द रूल्स एंड रेगुलेशंस, और ये चीज हमारे लैब टेस्ट में भी ट्रू पाई गई है एज मसल ब्लेज इज अ रेप्यूटेड कंपनी एंड ट्रस्टवर्दी। और नेक्स्ट मैट्रिक्स इज हैवी मेटल्स फ्री। कहीं क्रिएटिन के अंदर लेड एंड आर्सेनिक जैसे टॉक्सिक हैवी मेटल्स तो नहीं है ना, जिनको फिल्टर करने के चक्कर में हमारी किडनीज की बैंड बच जाती है। सो मसल ब्लेज के क्रिएटिन में मेंशन किया है दे आर हैवी मेटल्स फ्री, बट वी आर नॉट गोना ट्रस्ट इट। हम लोग ने अपने लैब टेस्ट में देखा कि ये हैवी मेटल्स फ्री है, सो इट इज सेफ टू कंज्यूम, आप इसे बड़े आराम से ले सकते हो। सो लेट्स डू सम स्टूडेंट फ्रेंडली कैलकुलेशंस, यानी हमारे कॉस्ट पर स्कूप की कैलकुलेशन करते हैं, मतलब एक स्कूप ऑफ मसल ब्लेज एचएमबी क्रिएटिन ट्राई करने में हमें कितने रुपए खर्च करने पड़ेंगे इसकी कैलकुलेशन करते हैं। एंड फॉर दिस कैलकुलेशन हमने फॉर्मूला यूज किया है करंट प्राइस ऑफ द क्रिएटिन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ स्कूप्स पर पैक, जहां हमारा फर्स्ट वेरिएबल आ जाता है करंट प्राइस विच इज सब्जेक्ट टू चेंज इन फ्यूचर। हियर अभी करंटली एचएमबी क्रिएटिन का प्राइस चल रहा है ₹949 ओनली। Our second variable is number scoops per pack. Here, Muscle Bless के creatine की one packing के अंदर में 26 scoops of creatine powder देखने मिल जाता है। Therefore, हमारा cost per scoop आ जाता है in the case of Muscle Bless HMB creatine ₹36 only. In case आप Muscle Bless HMB creatine को try करना चाहते हो, तो मैंने इसे खरीदने का link description में दे दिया है, आप वहाँ से इसे online भी खरीद सकते हो। Let's do our budget analysis. यानी अगर आपका बजट लो टू मीडियम चलता है यानी ₹500 से लेके 1000 तक, या फिर ऑन द अदर एंड आपका बजट चलता है मीडियम टू हाई यानी ₹1000 प्लस, तब क्या आपको इस एचएमबी क्रिएटिन के अंदर अपने पैसे इन्वेस्ट करने चाहिए या फिर नहीं करने चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इसका कॉस्ट पर स्कूप देखने मिल जाता है जो कि ₹36 ओनली है। सो ये एक लो टू मीडियम क्लास में आ जाता है, जिसका मतलब अगर आपके बजट ₹500 से 1000 तक भी है तब भी आप इसे बड़े आराम से अफोर्ड कर सकते हो। और जहां बात आती है इसकी क्वालिटी की, तो काफी ज्यादा बढ़िया क्वालिटी मुझे देखने मिलती है एज इसके अंदर हमें स्कूप साइज देखने मिलता है 4.8 ग्राम्स का, जो कि ऑल एंड ऑल 5 ग्राम का स्कूप साइज है, जो कि काफी बढ़िया है। एंड दिस इज ऑल्सो द लिमिट ऑफ क्रिएटिन, इससे ज्यादा क्रिएटिन आपके लिए हानिकारक होता है, बट 5 ग्राम तक का क्रिएटिन इज एन एडवांस लेवल ऑफ क्रिएटिन साइकिल। सो काफी बढ़िया और ऑथेंटिक रिजल्ट्स आपको देखने मिलेंगे इसके अंदर। और जहां बात आ गई है रिजल्ट्स की, तो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस कैसा रहा मसल ब्लेज की एचएमबी क्रिएटिन को यूज करने से। सो इसके अंदर हमें ऑल एंड ऑल एक 5 ग्राम की स्कूप साइज देखने मिल जाती है, तो मैंने पूरा 5 ग्राम का स्कूप साइज ही लिया है टेस्टिंग पर्पस के लिए। तो इससे मेरी बॉडी के अंदर वाटर रिटेंशन हुआ और वो एक सर्टेन लेवल पे रिटेन होकर रहा। देखो वाटर रिटेंशन तो हो जाता है, बट उसको मेंटेन करके रखने की कैपेसिटी सुपीरियर क्वालिटी क्रिएटिन के अंदर ही होती है, अदरवाइज हमारी बॉडी उस वाटर रिटेंशन को फ्लश आउट कर देती है, हमारी बॉडी फिर से पिचक जाती है। नाउ इसे यूज करने से मेरी बॉडी के अंदर काफी अच्छा स्ट्रक्चर एंड मास डेवलप हुआ, जिससे कि मेरी स्ट्रेंथ के अंदर ऑब्वियसली एक मेजर इंक्रीमेंट देखने मिला, मेरा वर्कआउट काफी ज्यादा बूस्ट हो चुका है। सो काफी बढ़िया एक्सपीरियंस रहा इसे यूज करने से, काफी खुश हो गया हूं उसको यूज करके। अब जानते हैं कि मेरा पर्सनल फेवरेट क्रिएटिन कौन सा है जो मैं मोर ऑफन यूज करता हूं। सो मेरा पर्सनल फेवरेट क्रिएटिन आ जाता है एज इट इज का क्रिएटिन, एज ये भी काफी ज्यादा अफोर्डेबल है और इसे मैं फर्स्ट डे से ऑफ माय जिम से लेके आज तक यूज करता हूं, और तो इसके साथ एक अलग सी रिलेशनशिप है। सो इन केस अगर आपको एज इट इज का क्रिएटिन भी ट्राई करना है, तो मैंने उसे खरीदने का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया होगा, आप वहां से ऑनलाइन भी खरीद सकते हो। सो दिस वॉज टूडेज वीडियो। आपके स्क्रीन के ऊपर बेस्ट क्रिएटिन्स की कंपैरिजन की प्लेलिस्ट चल रही होगी, वो आप देख लेना। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो हेल्थ फिटनेस या सप्लीमेंट्स रिलेटेड, तो कमेंट करना मत भूलना। आई विल ट्राई माय बेस्ट टू हेल्प यू आउट। जय हिंद, वंदे मातरम।